रोने की जरूरत नहीं है ज्यादा, फालतू दिमाग खराब कर रही हो, गाड़ी चलाने दो मेरे को। जब भी कुछ अगर एक शब्द बोल दो तुरंत आंसू आ जाते हैं। इटावा जाओ मम्मी पापा, मैं क्यों जाऊँ? जाओ आप जाओ ना, मैं भी मम्मी पापा के पास चल। तो गाइस अब हम लोग जाने वाले हैं वापस औरैया भाभी के घर से। अब तो ठीक है, तो अब देखो कैसे खुश लग रही है, सेवा करी है मैंने तुम्हारी। इसकी तबीयत ठीक हो जाती है तो अच्छा लगता है, तबीयत खराब होती है ना मेरे को भी अच्छा लगता। तो अब जा रहे हैं हम घर, अब हम जा रहे हैं घर वापस। चलो टाटा परी बाबू टाटा। अरे तो नहीं जाए, बाय भाभी। चलो चाबी उठाओ। अरे नहीं वो बर्थडे पे दे नहीं पाया था ना इसलिए। नहीं ये दिखाओ, इधर आओ बाबू। ये मैं अभी मैंने आंख में डाल दिया था इसके, तो रो पड़ा बेचारा। इससे आंखें साफ होती हैं बेटा, देखो परी के डाले। बाय देव, बाय परी, बाय भाभी, बाय बाय। चलो ओहो अभी बड़ा हो जाने दो उसको, फिर बताऊंगा। ये टाटा जा, तो निकल चुके हैं हम लोग इटावा के लिए, चढ़ चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे। यो आज पहुंच जाऊंगा, 4 घंटे पहुंच जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। 4 घंटे ही बता रहा है, 4 घंटे बता रहा है। हाँ हेलो गुड इवनिंग गाइस, तो कैसे हो आप सब? तो आज मेरे पापा बना रहे हैं रबड़ी हम लोग लिए, तो आपको दिखा दे पापा कैसे बना रहे। पापा रबड़ी बना रहे हैं, कितने 1 किलो दूध है ना, 1.5 किलो दूध की ज्यादा रबड़ी खाओ। मैंने पापा ने बनाई है। अच्छी बनी, बहुत बढ़िया, मेरे लिए स्पेशल दामाद के लिए। हाँ, फिर अपने दामाद के लिए बनाएंगे। इतना हैंडसम दामाद है तो बनानी बनती है। तो गाइस आज घर में हो रही है लड़ाई मेरे साथ लेटने के लिए, ये भी परेशान, ये भी परेशान, अब मेरे साले साहब भी परेशान। जाओ ना उठो, बट मैं लेटा हूँ ना, कबाब में हड्डी। वो तो मैं वही खाऊंगा, अंदर वाले बेड में लेट जाओ, दोबारा मैं यहीं लेटूंगा। बैठोगे? हाँ तो मैं लेट जाऊंगा, मैं तो आपके ऊपर भी सो जाऊंगा, मेरा वजन बहुत कम है, समझ रहे हो भैया। मुझे नहीं पता था मेरा ससुराल इतना अच्छा होगा, देखो मेरी बीवी, ये मेरे साले साहब अकेला छोड़ते ही नहीं मेरे को, कभी 1.5 साल लग गए। 100 की एक बात, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। अब देखा सारे भक्के आ जाए, ये भी आ गई, ये दोनों भी आ गए। अब लेट रहे पूरी ग्रस्ती लेके आ रही है। चलो अब लेट रहे हैं, चलो लेट रहा, हटो तो बाबू। अब मैं उस कमरे में जाऊंगा, ये भी देखो, देखो यार इतना प्यारा ससुराल। ये भी आप मुझे नहीं उठा पाओगे, आपने दीदी को और मान वाली क्या तो उठा लिया था। अच्छा मुझे नहीं उठा पाओगे, मैं बहुत भारी हूँ। तो मेरे सारे साहब कह रहे हैं कि आपने स्वाति दीदी को अरमान मलिक क्या उठा लिया था 5 मिनट तक, और आप जीत गए थे। जीत नहीं रे, ड्रॉ करा था। हारा नहीं ना, तो जीत ही गया। आप मेरे को उठा के देखो, अभी से उठा के दे। बाबू कमर दर्द होने लगी। तुमसे तो हल्का ही है, गिरा दो गया आप, क्योंकि ये एक है और तुम दो थी। गिरा दो गए मुझे। अगर मेरा बस चलता मैं स्वाति को भी ऐसी फेंक के मारता, लेकिन वो जमीन थी ना इसलिए लग जाती बेचारी स्वाति। हाँ। अगर मेरा बस चलता मैं तुम्हें भी ऐसे पैक का मारता हूँ, लेकिन बाबू का ख्याल रखना पड़ता। तो सुबह हो गई, सुबह सुबह उठ के मैं अपने बाबू का चेहरा देख रही हूँ, और मेरे बाबू जो होने वाला बाबू है ना, उसका सब कुछ एकदम ऐसा ही हो, ऐसी नोज हो, ऐसी अखा हो, ऐसे लिप्स हो, ऐसा चेहरा एकदम क्यूट क्यूट सा। तो बाबू के सामने बोलती नहीं ना, ज़्यादा भाव बढ़ जाएंगे, ऐसा ही सबको प्यार करने वाला नेचर हो,
ऐसे ही जो सबको प्यार करते हैं, सबके सम्मान करते हैं, मम्मी पापा को, मेरे को ऐसे ही होना चाहिए, मेरा बेबी ऐसे ही हो, ऐसे ही मेरी बेटी को भी पति मिले जैसा मुझे मिला। मेरा क्यूटर, मेरा क्यूटर सो रहा है यार, रात भर नहीं सोया ना तो अभी सो रहे हैं मेरा बच्चा। सोते समय कितने अच्छे लगते हैं ना, वैसे उठ जाओ तो फिर देखो कैसा लगता है, मतलब उठने के बाद समझते नहीं किसी को कितने पिंकी पिंकी उठ रखे, पिंकी पिंकी कर रहे थे मम्मी पापा तुमसे। क्यों पर्सनल बात है हमारी? तुम बाहर चलो फिर बताऊंगा। अच्छा तो बाहर चल चलते हैं। ये सोते हुए भी हंस रहा है तुम भी सोती रहो बस लो खास दो और जोर से। ओए सोने की चैन मेरी है, ठीक है मेरी है, अब रख लो सर मेरी तरफ से अपने साले साहब को। शादी में नहीं मिलेगी फिर। तो गाइस दोपहर के 1:30 हो रहे हैं और खाना खाने का टाइम हो गया। आज बनी है मेरी फेवरेट भिंडी, अरहर की दाल, बहुत सारा घी, रोटी। आ जाओ खा लो जिस जिसको खाना है, वरना बाद में मत कहना। तो गाइस खाना वगैरह हो गया है, अब हम जा रहे हैं वापस औरैया, और ये बेचारा सो रहा है, अगर ये जग गया तो रोएगा, तो इसके जगने से पहले निकल लेते हैं सौती, ठीक है? जगाना मत, मैं तुम्हारा रैप्टर बरसा दूंगा। अब बताओ क्या बताना है? वही जो मैं घर पे पूछ रहा था। अरे वो हमारी पर्सनल बात है, क्यों बताऊं यार, हद हर बात थोड़ी ना पूछते बाबू। अरे तो बताओ बताओ, एक बात सुन लो मेरी, शादी के बाद मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा। हाँ तो आप हस्बैंड हो, आप मुझे हर बात बताते हो क्या? सारी बात बता दो, और कौन सी नहीं बात बताते बताओ। बहुत सारी ऐसी बातें जो आप मुझे नहीं बताते हो। अरे तो अभी और ये चलते फिर मैं मिलता हूँ। क्यों क्या करोगे और ये जाके? एक देख लो शादी के बाद अगर लड़की के घर वाले कुछ बोल रहे हैं तो वो बर्बाद कर रहे हैं अपनी लड़की की जिंदगी। ऐसा कुछ गलत नहीं बोला, ठीक है? क्या बर्बाद कर रहे हैं? तुम बात बताओ, बात क्या बोला? अरे कुछ नहीं बोला, हर बात नहीं बताई, तभी कड़ाई होती है हर रात। तुम ज्यादा ना दिमाग खराब मत करो, पहले बताओ क्या बोला। लग रही है मेरे बाबू, बताओ क्या बोला, क्या कर रहे हो? रोने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ। हाँ कहीं वहम में हो, घर पे जाके बात कर रहा हूँ, अभी गाड़ी चला रहा हूँ इसलिए ज्यादा बात नहीं कर रहा। रोने की जरूरत नहीं है ज्यादा, फालतू दिमाग खराब कर रही हो, गाड़ी चलाने दो मेरे को। जब भी कुछ अगर एक शब्द बोल दो तुरंत आंसू आ जाते हैं। घर पे चलो, घर पे फोन दो, फोन दो, घर पे चलो, घर पे बात कर, गाड़ी चलाने दो, घर पे मिलता है घर पे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं और औरैया वापस। तुम सीधे यहाँ आके बैठ गई, क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, मैं मम्मी को बता रहा हूँ। क्या बता रहे हो मम्मी? हाँ। आज पता है क्या हुआ? क्या हुआ? अभी स्वाति के घर पे गए थे हम। हाँ। हैं? हाँ। तो स्वाति के मम्मी पापा। हाँ। कमरे में जाके स्वाति से कुछ बातें कर रहे थे। अच्छा। हाँ। अच्छा। अब मैं स्वाति से पूछ रहा हूँ, वो बता नहीं रही। बताने चाहिए, वो बता ही नहीं रही, क्या हमारी पर्सनल बात है? अच्छा। बताओ, पर्सनल बात है तो नहीं बता रही, तो कोई बात ही नहीं है। काहे कोई बात नहीं है, हस्बैंड नहीं है। कौन नहीं, वैसे बताने चाहिए क्या कह रही थी मम्मी पापा, क्या नहीं कह रही थी। हस्बैंड को सारी बातें बतानी चाहिए, बताने चाहिए सही बात है। और क्या, अभी हम तुम लोगों से बात करें, वो स्वाती को ना बताए तो स्वाति नहीं कहेगी कि हमें उससे बात करो। सही बात है, मम्मी मैं भी सारी बातें स्वाति को बताता हूँ। हाँ तो नहीं, बताने चाहिए स्वाति को, स्वाति को बताने चाहिए। पापा जी कल हम इटावा गए थे ना, तो आज हम वापिस आ रहे थे और ये तो स्वाति के मम्मी पापा ना कुछ बातें कर रहे थे कमरे में स्वाति के साथ। हाँ। अब मैं स्वाति से पूछ रहा हूँ, वो बता नहीं रही। पता नहीं क्यों, तो बताना नहीं चाहिए हस्बैंड को? अब मैं पूछ रहा हूँ, कह रही है हमारी पर्सनल बात है। हाँ, तो होगी तो घर की बात का जरूरी है, सब बात बताओ तो हस्बैंड को तो बतानी चाहिए। हाँ। जो आप साथ दे दो, मम्मी भी साथ दे रही, बहू का ही साथ दे दो आप। चलो बता देना चाहिए। अरे तो हस्बैंड से क्या छुपाना, हस्बैंड से क्या छुपाना। हाँ अब बताओ। क्या बताऊं, वही बात है यार, हर चीज कल मम्मी पापा क्या बातें कर रहे हैं। क्यों बताऊं, मैं नहीं बता रही हूँ, क्या कर लोगे? अभी पिटी थी ना गाड़ी में,
अब माँ को दिखाओ। अब तो मम्मी पापा हैं। अरे मुझे काम बहुत है। अच्छा बताना क्या? अरे मुझे नहीं बताना कुछ बात नहीं। अच्छा सॉरी 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 बताना प्लीज। मैं क्यों बता? नहीं बता रही। देख लो तो ऐसा करो तुम जाओ यहाँ से। कहाँ जाओ? इटावा जाओ। मम्मी पापा मैं क्यों जाऊँ? जाओ आप जाओ ना, मैं भी जाऊँ। मम्मी पापा के पास चल। क्या होगा? चूड़ी टूट गई। बस रोती रहो तो बता दो। मुझे नहीं बता रहा, मैं काम करती। तो खाना नहीं बनाओगी? अच्छा मत बता बात, तू खाना बना ले। नहीं बना रही, मुझे नहीं बना रही। अच्छा मत बता बात। अच्छा मत बताओ बात। बना लो आगे, मैं नहीं बना रही। अब गुस्सा हो गई तो गाइस चूड़ी भी टूट गई और वो गुस्सा भी हो गई। अब लग रहा है खाना नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे बता दो नहीं तो पब्लिक कहेगी लो ये लड़ने लग गए। तो गाइस ये प्रैंक था। अभी हम बताएंगे कि क्या बताया मम्मी पापा ने। उस दिन उस टाइम बातें कर रहे थे ना तो मेरे एकदम से दिमाग में आया चलो प्रैंक करता हूँ स्वाति को, एकदम गुस्सा होऊंगा। और सबसे बड़ी बात कैमरा भी मेरे को पकड़ना पड़ता है ना तो सब समझ जाते हैं कि प्रैंक कर रहा है। मैं रखूंगा एक कैमरामैन, किसी कोई कैमरामैन हो तो आए मेरे पास कॉन्टेक्ट करे। तो अच्छा बताओ क्या बता रहे थे? अरे ये कह रहे थे कि दवाई वाई टाइम से खाया करो, ये वो काम किया करो थोड़ा बहुत ताकि बॉडी चलती रहे, पेट ही मत रहा करो। तो ये कल ही बता देती, लड़ाई तो नहीं होती। मैं क्यों बता दी आपको? हर चिंता जरूरी होती है क्या? तो अब क्यों बता दी? चाय। तो गाइज ये एक छोटा सा प्रैंक करने की कोशिश करी। मैं ही कैमरामैन हूँ, मैं ही एक्टर हूँ। तो कैसा लगा प्रैंक? लाइक करे, कमेंट करे, चैनल को सब्सक्राइब करे। लव यू ऑल। और किस किस को लग रहा था कि मैंने स्वाति को सच में मारा?